Hello everyone, I welcome you all here, and in this video I am going to discuss about some cutoff predictions of different institutes, as well as will share my what I am expecting plus my scores as per the official provisional answer key. So let's begin. Okay, so these are the cutoffs by different coaching institute. I have taken only 7 institutes jo ki bahut zyada important aur jo famous hai unka. So let's begin. Sabse फर्स्ट देखते हैं एस पी एम आई एस अकेडमी. इन्होंने बोला जैन के लिए मेल के लिए 70-80 के बीच में एंड फीमेल के लिए 65-75. देन ओ बी सी एस सी एस टी एस टी प्लेन एस टी हेल्स अकॉर्डिंगली दे हैव कैटेगराइज्ड एवरीथिंग. ओके, लूसेंट आई एस ने बोला 89 ± 2 फॉर जनरल मेल एंड फीमेल 83 ± 2. सो ये सब है काफ़ी. ये तो फिर भी मुझे लूसेंट आई इसका थोड़ा सा ठीक लगा, बाकी एसपीएम का भी काफ़ी कम है. लेट्स सी, आगे देखते हैं. फिर पटकाई क्लासेस हैं एक यूट्यूब चैनल, उन्होंने बोला कि जनरल मेल के लिए 75-80 होगा और फिर ओबीसी के लिए 65-70, एससी के लिए 55-60 और एसटी के लिए 50+ ऐसे जाएगा. भद्रा आई एस 80-85 फॉर जनरल मेल. फीमेल नहीं कैटेगराइज किया बट ऐसे जनरली बता दिया, तो फिर जनरल के लिए होगा 80-85. ग्रेडियंट आई एस ने 85-90 बोला. शैलिन बेशिया, एवरी वन हु नोज अबाउट सम असम हिस्ट्री बुक्स रिलेटेड ही मस्ट बी नोइंग हिम, ही सेड 75-82 फॉर जनरल मेल और जनरल कैटेगरी. एंड अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट वाले ने बोला 65 फॉर जनरल मेल. सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ डिसाइड करने में. फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने ने अप्लाई करा है, प्लस सीसेट फैक्टर, नेगेटिव मार्किंग, कितने अपीयर हुए हैं, सब कुछ है. तो उन सब को देखते हुए इस बार हार्डली नहीं, मैक्सिमम 9,000-10,000 पीपल विल गेट सिलेक्टेड फॉर मेंस. सो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा पिछली बार से, जो कि 122 था जनरल मेल के लिए, बट इतना भी कम नहीं जाएगा कि जितना यहाँ पे बताया ना 65-60 तक तो बिल्कुल भी जाने वाला, इतना तो मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे इंट्यूशन आ रही है, एक अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इट विल बी अराउंड 90-95 फॉर मेल. सो तो मेरा स्कोर पहले ये जानने से पहले देख लेते हैं मेरा स्कोर क्या रहा. जी एस वन में है 97.5 एंड जी एस टू में है 102. सो जी एस टू का तो खैर कोई टेंशन ही नहीं, ये तो क्वालिफाइंग है तो हो जाएगा. और 97.5 लेट्स सी क्या होता है, बट आई प्रे कि ही हो जाए बस, और क्या बोल सकते हैं. तो ठीक है, मेरा जो प्रेडिक्शंस है वो ये है. जनरल मेल के लिए 95 ± 2 और फीमेल के लिए 90 ± 2. इतना तो श्योर है कि जनरल मेल का 90 से नीचे तो नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो 90+ ही रहेगा. हाँ 100+ मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि थोड़ा सा चांसेस है कि कम जाने का इस बार, बट इतना भी कम नहीं जाएगा कि 80-70 तक तो बिल्कुल नहीं जाने वाला. ये है मेरा. ओबीसी के लिए 88 ± 2, एससी मेल के लिए 79 ± 2, एसटी के लिए 70 ± 2 और प्लेन्स और एसटी हिल्स के लिए 70 ± 2, फीमेल के लिए जनरल 90 ± 2 और ये सारा फिर अदर कैटेगरी वाइज. और सबसे बड़ी बात ना, मैंने ये बोली क्योंकि मैं ये फील कर रही हूँ, बट आई रियली प्रे कि इससे भी कम जाए और जितना कम हो सके जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंक्लूडिंग मी सेलेक्ट हो सके. सो आपका क्या स्कोर रहा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.